subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सुनील कुमार राजपूत आप सभी लोगों का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग राधे राधे, कैसे आप सभी लोग। एक बार जल्दी से सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिए और ये भी बता दीजिए मेरी वॉइस प्रॉपर तरीके से सब लोगों को आ रही। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 15 अगस्त है, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो एक बार जल्दी से सब लोग कन्फर्म कर दीजिए तो फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेली के तरीके, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि अपने अपकमिंग बैचेस कौन कौन से हैं, तो 17 अगस्त को मॉर्निंग में 8 से 10 में बैंक का बैच आ रहा है और 5:30 से 7:30 में SSC का बैच आ रहा है। तो जिनको भी जो बैच ज्वाइन करना है वो सब लोग वो बैच ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है बेटा। तो देखिए, पिछली क्लास में मैंने एक सवाल दिया था, तो उसका आयुष ने आंसर दिया था, पुनीत ने आंसर दिया था, रित्याज, पलक, गीता, नेहा, रित्याज और सुशोभन ने आंसर दिया था। इतने सारे बच्चों ने आंसर दिया था और इसका आंसर जो आ रहा है वो आयुष ने तो 35 दिया है, बाकी सब लोगों ने 34 दिया है, ठीक है। चलिए खैर, आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा सभी लोग, ठीक है। चलो, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। चूंकि आपको पता है कि IBPS का एग्जाम अब आने वाले हैं, तो हम लोग सबसे पहले IBPS क्लर्क की प्रिपरेशन करते हैं, मतलब क्लर्क के हिसाब से पूरी तैयारी करते हैं। जैसा आज आप लोगों ने ये भी नोटिस किया कि जो भी अभी RRB क्लर्क के एग्जाम हुए, हर सेट में 10 से 12 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आए हैं, तो ये भी आपको प्रैक्टिस करना बहुत बनता है, बहुत जरूरी है इसकी प्रैक्टिस करना, है ना। जितना समय बचा पाते हैं वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए खैर, जल्दी से तेजी के साथ इस सवाल का आंसर निकालिए फटाफट। जैसा कि मैंने आपको बता के रखा कि जब कभी भी ऐसा सवाल आया करे तो सबसे पहले क्या करो, डेसिमल के बाद सब में अंक बराबर कर लिया करो। जैसे 3333.33 है, मैक्सिमम दशमलव के बाद 4 अंक हैं, तो इसमें 2 जीरो बढ़ा लो, ये हो जाएगा 333.333, 1 जीरो बढ़ा लो, 33.3333, यहाँ पर 4 है, प्लस 3.33 और 00, ये हमारा हो गया। अब ये नॉर्मल सवाल बन गया कि मतलब दशमलव बाद सब में अंक क्या हो गए, बराबर हो गए। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फटाफट जोड़ दो, 0 0 3 3 3 आएगा, 0 3 3 6 6 आएगा, 3 3 6 3 9 9 3 12, 2 6 3, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। देखा, मतलब आपके 4 ऑप्शन क्या हो गए, कैंसिल हो गए। आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे हैं, है ना, एक तो बचा है नन ऑफ दीज और एक बचा है डी। दूसरी बात देखो, 3333 यहां पर है, 333 जोड़ोगे तो ये 3600 के आसपास हो जाएगा, मतलब जो आंसर लगभग आएगा 3700 के आसपास। तो इतनी एक्यूरेसी लेने के बाद हम लोग इसमें ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, यानी जो आंसर आ रहा है 3730.3263, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सभी लोग। अगले सवाल का आंसर जल्दी से निकालें कि इसका आंसर क्या होना चाहिए फटाफट। 30 सेकंड का टाइम है, 30 सेकंड के अंदर सभी लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। कोशिश करें कि 30 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाना चाहिए। देखो, 96 का स्क्वायर सबको ही पता है, 9216 होता है, 63 का स्क्वायर आप निकाल लो, 3 का स्क्वायर 09 हो जाएगा और ये हो जाएगा 36, 18 छत्रों का 18 36 आ जाएगा, तो ये 6993 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3969, है ना। प्लस ये वाला उधर ले जाओ तो ये 111 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 21, और ये हो जाएगा 123, 11 इसी में जोड़ दो, 122 प्लस 1 कैरी का, और प्लस 8350 हो जाएगा बराबर क्वेश्चन मार्क। ये नॉर्मल सवाल बन गया। अब जल्दी से इसको फटाफट सॉल्व करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, तेजी के साथ।
अच्छा अब एक बात और, यहाँ पर ये स्क्वायर है, स्क्वायर है भाई, है ना, जल्दी से फटाफट सॉल्व करिए। देखिए 6, 9, 6, 15, 15, 1, 16, 16, यानी यूनिट में 6 आ रहा है ना, 2, 6, 2, 8, 8, 2, 10, 10, 5, 15 आ रहा, 3, 9, 5, 9, 3, 12, 12, 3, 15, 15, 3, 18 आ रहा, फिर से 18, फिर से एक 10 हो गया, 10, 10, 3, 13, 13, 2, 15, 15, 8, 23, ये 3 आ रहा, और 2 और 1 ये कैरी का, तो ये हो गया 3, बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये बताओ स्क्वायर रूट निकालने के लिए तो यूनिट में 4 आएगा या तो 8 आएगा, ऑप्शन में सब अवेलेबल है, दो डिजिट कैंसिल कर दो, 338, और 338 से छोटा है वो तो आप निकाल ही लोगे, 18, 18 लगा दीजिए, है ना, सही है। बस अब आपको पता ही है कि 18 का अगला नंबर 19, 19 से मल्टीप्लाई करके लिखिए, तो ये आपका आंसर जो आ जाएगा 184 आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब सभी लोगों का। जल्दी से इस सवाल का आंसर निकालिए सब लोग, क्या आना चाहिए इस सवाल का आंसर। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, वेरी गुड मॉर्निंग, 15 अगस्त के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जो लोग लेट आए हैं, और फटाफट जल्दी से सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिए और सवाल लगाना शुरू कर दीजिए। अब 17 से इसको काटो, 17 दुना 36, 17 दुना 34, ये बच जाएगा 22, प्लस अब 224 का मल्टीप्लाई 0.5 से हो रहा है, मतलब आधा हो रहा है, और आधा का तो आप ओरल लिख सकते हो 112 आ जाएगा, है ना, माइनस 160 का 45%, ये हम निकाल लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 5, 9, 45, 2, 8, 8, 9, 72, यानी ये 72 आ जाएगा माइनस का, इतना समझ में आ रहा होगा, 2, 2, 4, 4 में से 2 गया, बचेगा कितना 2, है ना, बस 124 ये सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा 62, कितना आ जाएगा 62, खत्म कहानी, आंसर आ गया। लो भाई अगला सवाल, जल्दी से इस सवाल का आंसर बताओ तेजी के साथ, क्या होना चाहिए। अब देखो ये ऊपर क्या है, 4900 है, अपॉन में जाएगा 98, मल्टीप्लाई रहेगा 28, माइनस का 54, मल्टीप्लाई 32, ये है नॉर्मल सवाल। 49 से काटोगे तो ये 2 बार जाएगा, 2 से काटोगे तो 50 आ जाएगा, है ना, या इसको काट देते 14 आ जाता, तो ये हो जाता हमारा 1400, ये हो जाएगा 1400, है ना, और ये 54 और 32 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1728, बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आप बताओ ये माइनस में आंसर आ रहा, 1728 में 1400 जाएगा तो माइनस का 328 बच जाएगा, बात खत्म हो गई, 14, 3, 17, 1728, सॉरी माइनस का 328 आएगा, मैंने पूरा लिखा नहीं, ये देख लीजिए ये 328, ठीक। अगला सवाल जल्दी से सॉल्व करिए इस फटाफट तेजी के साथ, अब देखो 17,850 का 82% प्लस 8,345 का 42% प्लस 945 का 80%, मतलब 4/5, है ना, ये है हमारा पूरा सवाल। अब इसको जितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व करिए, जल्दी सॉल्व करिए, 0 से तो 0 पहले काट दो, 5 दुनी 10, 5 3 15, 5 5 25, 5 7 35, ये आ गया, है ना, अब ये आ गया 357, इसको काटोगे तो 41 आ जाएगा, इसको तो हमें काटना पड़ेगा 5 1 5, 5 6 30, 5 6 30, 5 9 45, 5 दुनी 10, 2 से काटेंगे तो ये 10 आ जाएगा, 2 से काटिए तो 21 आ जाएगा, है ना, अब ये 0 हटाओगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा,
अब एक बात समझ में आ गई कि इसके यूनिट में दशमलव बाद 9 आएगा, हालांकि ऑप्शन में भी सब में लास्ट में 9 दिया है। 5 से इसको काटो, 5 के 5 5 4 5 8 40 5 9 45 189 आ गया। अब ये सबको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 357 का मल्टीप्लाई 41 से कर दीजिए, 14,637 आएगा। देख लीजिएगा आप लोग, 1669 का मल्टीप्लाई 166.9 इसका मल्टीप्लाई 21 से करोगे तो ये आएगा 3504.9 आएगा, और प्लस 189 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये आएगा 756। अपने अपने मल्टीप्लिकेशन टैली कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 18897.9 आ रहा, ठीक है, आंसर टैली कर लीजिएगा, ठीक। चलो अगला सवाल, ये आपका आ गया नंबर सीरीज का, ठीक है। फटाफट इस सवाल को सॉल्व करें और बताएं कि सीरीज में क्या लॉजिक लग रहा है, तेजी के साथ। तेरह, चौदह, तीस, 111, 367 क्वेश्चन मार्क, है ना। अब आप देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर अपन कर लेते हैं डिफरेंस। आओ डिफरेंस करें तो यहाँ पर हो रहा प्लस वन, यहाँ पर प्लस 16, यहाँ पर 70 और 11 81, ये हो रहा 81, और यहाँ पर हो रहा है 256। क्या मिला? ये मिल रहा है 1 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर ही रखो, 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और यहाँ पर 16 का स्क्वायर, है ना। अब इनमें रिलेशन देखना है तो यहाँ पर बढ़ा कितना है, प्लस का 3, यहाँ पर बढ़ रहा प्लस का 5, यहाँ पर बढ़ गया प्लस का 9 से 16, मतलब 7 होना। तो ये 3, 5, 7 ये चल रही सीरीज, तो 3, 5, 7 ये प्राइम नंबर नहीं, ऑड नंबर है, तो 3, 5, 7 है। तो देखा जाए तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 9 आना चाहिए, 2-2 का गैप चल रहा है इसमें, 3 है 5 है 7 है, तो 9 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर 81 होता है, नहीं 16 9 25 हो जाएगा, 9 ऐड होगा यहाँ पर, 16 में 9 ऐड होगा 25 आ जाएगा, 25 का स्क्वायर होता है 625, यानी हमें 625 जोड़ना है किसमें, 367 में हमें जोड़ना है 625, 7 5 12, 6 2 8 1 9, यानी 992 आ गया आंसर, ठीक। नेक्स्ट, बिल्कुल सही है, फटाफट जल्दी से बताते रहे इस सवाल का आंसर। हाँ सॉल्व करिए बेटा इसका, जल्दी से बताएं लॉजिक तेजी के साथ। नंबर क्या लिखा, 43 97, 205, 421, 853, है ना, क्वेश्चन मार्क। यहां पर कितना बढ़ रहा है, नहीं मल्टीप्लिकेशन ले जाओ, इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मत ले जाओ, क्योंकि नंबर काफी बढ़ रहा है। तो नंबर बढ़ रहा है तो एक बात बताओ, 23 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 23 दुना 86 हो जाएगा, 86 में कितना जोड़ दें 11, तो 97 हो जाएगा। 97 को हम लोग करते हैं 2 गुना, 2 7 14 और प्लस का कर दें कितना 11, 205 आ गया। यहाँ पर 205 में, है ना, 205 में यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, और 205 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 11, ठीक है, तो ये आ जाएगा 421, ठीक है। 421 में 2 का मल्टीप्लाई करिए, प्लस का करेंगे 11, ठीक, और इस तरीके से यहां पर क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करिए प्लस 11 करिए, 853 में 2 का मल्टीप्लाई करिए प्लस 11 करिए,
जल्दी से बताइए कितना आ रहा है। दो तिया छह, दो पंचे दस और दो अट्ठे 16, ठीक है। और यहां 11 कर दिए, 1617, नहीं क्या कर दिया मैंने, दो पंचे दस, दो अट्ठे 16, 17 होगा, यहाँ 17 आएगा, सॉरी 1706 प्लस 11, 1717, यानी कि इस सवाल का आंसर आएगा 1717, ठीक है। बहुत बढ़िया है ना। चलो अगले सीरीज पे आंसर बताओ जल्दी से फटाफट, इस सीरीज का आंसर बताओ जल्दी से स्पीड में, बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। 337, 344, 363, जल्दी से स्पीड में फटाफट। 337, 344, 363, 402, 469 है ना, अगला नंबर बताना है अपन को, जल्दी से फटाफट सब लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा। देखो 37 से 44 होना मतलब प्लस का 7 जोड़ा, 7 7 14, 44 से 63 होना 63 होना, 4 3 नहीं 9 4 13, यानी यहां पर 19 जुड़ गया, और 63 से 402 हो रहा है ना, तो 37 और 2 39, ये 39 हो रहा है, और 402 से अगर हम बात करें 69 की, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 67 जुड़ गया। अब 7 19 39 में तो कोई लॉजिक मिल नहीं रहा, एक काम करते हैं फिर से डिफरेंस करते हैं, यहां पर डिफरेंस बताओ कितने का है, 12 का, 12 का, यहां पर डिफरेंस कितने का है 20 का, यहां पर डिफरेंस कितने का है 40 नहीं 28, 9 8 17 28, यानी यहां पर देखा जाए तो 8 का, यहां पर भी 8 का, तो अगला भी 8 का होगा डिफरेंस, तो 28 और 8 कितना होता है 36, और 36 अगर 67 में जोड़ेंगे तो 7 6 13, 6 3 9 1 10, 103, और 469 में 103 जोड़े, 9 3 12, यानी कि 572, ये आपका आंसर आ जाएगा, 572 है ना। सीरीज अच्छी है, लॉजिक है बढ़िया, इसमें एकदम आसान नहीं लग रही है आपको, तो फटाफट अगली सीरीज पे इसी बात पे आंसर दे दीजिए, तेजी के साथ क्या होना चाहिए इसका आंसर जल्दी से बताएं इसका आंसर। एटी फोर, 92, 101, 165, 190, यहां पर बताओ क्या है, 64 है, 65 से 90 हो गया, 65 से 90 होना मतलब क्या 25, हाँ ये 25 हो गया, यहां पर 18, 92, 8 1 9, ये 9 आ रहा, और यहां पर अगर देखा जाए 84 और 92, 6 2 8, ये 8 आ रहा, क्या लॉजिक लगा, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, सही है ना। तो अगला नंबर आएगा 6 का क्यूब, 6 का क्यूब क्या होता है 216, यानी 190 में 216 जोड़ दो, 190 में 216 जोड़ दो, अब 216 जोड़ोगे तो ये 6 आ जाएगा, यूनिट में खाली एक ही है 6, लाल आप जोड़ दो पूरा, 216 जोड़ोगे तो आ जाएगा 406, खत्म कहानी, क्लियर। चलिए जल्दी से इस सीरीज का आंसर बताइए फटाफट, जल्दी से इस सवाल का आंसर बताइए। जल्दी से बताएं फटाफट इस सवाल का आंसर क्या होगा। ये 1, ये 65, ये 165, ये 309,
और क्वेश्चन मार्क है ना, और ये आ जाएगा 761। अब आप ही बताओ, या 65 से, अगर 1 से 65 होना मतलब 64 जुड़ गया, यहां पर बताओ कितना जुड़ गया, 100 जुड़ गया, तो 8 का स्क्वायर है ये, 10 का स्क्वायर, इसमें तो कुछ है ही नहीं दिक्कत। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 144 आ गया, मतलब ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना होगा, 14 का स्क्वायर है ना, यानी 196 जुड़ेगा। तो 309 में 196 जोड़ो जल्दी से, बताओ कितना आ जाएगा, 505, 505 आएगा भाई, है ना, तो इस जगह आ जाएगा 505। बिल्कुल सही जवाब सभी लोगों का, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, आइए अब जरा ध्यान से सुनेंगे कि इस डीआई में क्या लिखा है। स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन केयरफुली। क्या लिखा है, ये वीट, राइस और ऑयल का कॉस्ट प्राइस दिया गया है, ये प्रॉफिट परसेंटेज का डेटा है, ये मार्कअप परसेंटेज का डेटा है, और ये सेलिंग प्राइस दिया गया है। ठीक है, अब हमें इतने ही डेटा से, बाकी जो थोड़ी बहुत जानकारी होगी वो सवाल में दिया होगा, तो उसको हम वहां से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए फटाफट देखते हैं पहला सवाल क्या है, जल्दी से पढ़िए और समझिए इसमें क्या लिखा है। व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्नड बाय शॉपकीपर ऑन ऑयल, मतलब हमें बताना है, इससे आसान सवाल क्या लोगे, कि बताना है अपन को कि दुकानदार को मतलब ऑयल पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 1 सेकंड का सवाल है, जल्दी से बताओ। 160 रुपए का ऑयल था, 192 में बेच रहा है, मतलब कितना, 32 का प्रॉफिट, मल्टीप्लाई क्या कर दो, 100 है ना, 0 से 0 काट दो, 4 चौके 16, 4 अट्ठे 32, अरे दोनों सॉरी 20%, मतलब सीधे 16 से कट रहा था, 20% आंसर आ गया। ठीक, तो आंसर आ गया इस सवाल का 20%। अब जल्दी से अगले सवाल का आंसर बता दो तेजी के साथ। देखो क्या लिखा है इस सवाल में, इफ शॉपकीपर अलाउड 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ वीट, अगर शॉपकीपर वीट पर 10% का डिस्काउंट दे, देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द वीट, वीट का सेलिंग प्राइस क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस ऑफ वीट बताना हमें है ना, 800 रुपए आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है, आप लोग फटाफट आंसर देते रहो, 800 रुपए आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस कितना बढ़ाया गया, 20%, यानी मार्क प्राइस हो गया होगा 120%। अब आप बताइए 20% मार्क प्राइस हो गया, उसके बाद उसने क्या किया, 10% की छूट दी, मतलब 90% पे आर्टिकल को बेच दिया, खत्म कहानी, ये दोनों जीरो इससे कट गए और ये दोनों जीरो इससे कट गए। हमें क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करना है, 12 अट्ठे 96 मल्टीप्लाई कर दो 9 से, 9 6 54 और 9 9 81, 5 86, 864 रुपए उसकी हो गई सेलिंग प्राइस। बोलो क्लियर सवाल, कुछ नहीं था भाई, 20% मार्क प्राइस बढ़ाया गया, 10% का डिस्काउंट चलाया गया, बस फटाफट सॉल्व कर लीजिए। इसी के साथ अगला सवाल तेजी के साथ बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होना चाहिए। इफ शॉपकीपर अर्न 5% प्रॉफिट ऑन वीट, देन व्हाट परसेंटेज डिस्काउंट अलाउड बाय द शॉपकीपर। ओके, वेट की बात कर रहा है, 160 रुपए की सामान पे 192 की बेच रहा था, तो बोला कि शॉपकीपर अर्न 5% प्रॉफिट। ओके, तो हमें डिस्काउंट बताना है ना। इफ शॉपकीपर अर्न 5%
अच्छा वीट, मैं इसका ऑयल का देख रहा था, वही मैं सोच रहा था क्या हो रहा है। इफ शॉपकीपर अर्न 5% डिस्काउंट देन व्हाट परसेंट डिस्काउंट अलाउड बाय द शॉपकीपर, डिस्काउंट कितने परसेंट दिया गया। अच्छा एक बात बताओ, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आर्टिकल वीट की कॉस्ट प्राइस थी 100 रुपए, सवाल के हिसाब से एमआरपी कितनी हो जाएगी 120 और सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी बताओ 105। 105 होगा कि नहीं होगा बताओ पहले, क्यों? क्योंकि उसको 5% फायदा मिल रहा है। अब आप बताइए 100 की सामान को 105 रुपए में बेच रहा है और जबकि एमआरपी थी 120 रुपए, तो बाकी सब डिस्काउंट ही तो हुआ, बताओ डिस्काउंट कितने हुआ। 120 की सामान को 105 की बेच रहा मतलब 15 का डिस्काउंट हुआ, तो डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लो, तो 15 का डिस्काउंट हुआ कितने पे 120 पे, 15 × 8 = 120, 1/8 का मतलब होता है 12.5%, क्योंकि आप सभी को पता है कि डिस्काउंट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, एमआरपी पे कैलकुलेट होता है, तो बस 15/120 मतलब 1/8 आंसर आ गया 12.5%, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल में लिखा है अ शॉपकीपर मार्कअप 50% ऑन राइस, एक दुकानदार ने आर्टिकल की मतलब किस पे राइस पे मार्कअप किया है कितना 150%, ठीक है मतलब 50%, अगर 100 रुपए का सामान रहा होगा तो एमआरपी कितनी रहेगी 150 एंड आफ्टर सेलिंग एट एक्स परसेंट डिस्काउंट, तो आप बताइए उसने एक्स परसेंट डिस्काउंट पे आर्टिकल को बेचा तो उसके बाद उसको 20% का प्रॉफिट हो गया, 20% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है तो 20% का प्रॉफिट हुआ है, आप बताओ उसको प्रॉफिट हुआ है 120 का मतलब प्रॉफिट हुआ है 20% का। अब 20% का अगर प्रॉफिट हुआ है तो आप बताओ 100 का सामान 20% का प्रॉफिट हुआ है तो आप बताइए सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 120, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 120, है ना, होगा ना 120, 100 का सामान 20% प्रॉफिट 120 का सेलिंग प्राइस हो गया, तो डिस्काउंट कितने हो रहा है, डिस्काउंट डिस्काउंट कितने हो जाएगा आप बताओ 30 का हो जाएगा डिस्काउंट, तो डिस्काउंट परसेंटेज अगर निकालें तो डिस्काउंट परसेंटेज 30 का डिस्काउंट दिया गया कितने पे 150 पे, 1/5, 1/5 का मतलब क्या होता है 20%, 1/5 का मतलब क्या होता है 20%, 20% इसका आंसर आ जाएगा, खत्म, है ना। ठीक नेक्स्ट बताओ सवाल का आंसर सब लोग। इफ शॉपकीपर फेस 20% लॉस ऑन राइस, अगर एक दुकानदार को 20% का लॉस होता है राइस पे, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द राइस, तो राइस की हमें कॉस्ट प्राइस बताना है। ओके तो एक बात बताओ, अगर 20% का लॉस हुआ है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 80%, जो कि 600 के बराबर होगी, तो आप बताओ 80% का मान 600 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, हमें क्या चाहिए कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो 100% का मान निकाल लो, 600/80 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना कर दोगे 100 से, 20 चौके 20 पंचे, 5 से काटोगे 150 आएगा, 15 × 5 = 75, 750 इसकी आ जाएगी क्या कॉस्ट प्राइस। बहुत बढ़िया, शानदार, सभी लोगों का रिप्लाई वेरी गुड, ठीक। चलो भाई ये सवाल पढ़िए जल्दी से फटाफट और बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होना चाहिए।
देखिए, इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड वाज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट। एक एग्जाम में जो पास बच्चे थे वो फेल बच्चों का 4 गुना थे, तो आप ही बताओ टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 5x। अब सवाल में लिखा कि अगर 35 बच्चे एग्जाम देने कम जाते, 5x-35, तो बोल रहा और 9 ज्यादा फेल हो जाते, पहले फेल हो रहे थे 9, अभी हो जाते x+9। ये ऊपर हमने लिखा है फेल और नीचे हमने लिखा है टोटल, ठीक है। ऐसा होने पे जो पास और फेल का जो रेशियो आ रहा है वो 2:1 हो रहा है इस कंडीशन के अनुसार। तो आपने ऊपर क्या लिखा, फेल, तो ऊपर लिखोगे 1, नीचे आपने लिखा टोटल तो नीचे लिखोगे 3। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 3x+27 = 5x-35, तो ये हो जाएगा 2x = 62, तो x = 31, और x = 31, तो यहाँ पर 31 से 5 का मतलब 5 का मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 155। यानी टोटल बच्चे कितने थे बेटा, 155, ठीक। जल्दी से बताओ फटाफट सवाल का आंसर क्या होगा। लिखा है कि अनीता परचेज 1 टेबल 1 चेयर कॉस्टिंग ₹680 एंड 585। इफ सी सेल टेबल एट अ लॉस ऑफ 6.25% एंड चेयर एट अ प्रॉफिट ऑफ 16.3%, फाइंड द टोटल अमाउंट सी विल गेट बाय द। बहुत आसान सवाल है, जल्दी से फटाफट इसको सॉल्व कर लीजिए। वन टेबल एंड वन चेयर, अब आप बताओ इसको इसने लॉस पे बेचा है, तो 680 की जो टेबल थी वो 6.25%, तो 6.25% का मतलब क्या होता है बताओ, 6.25% का मतलब होता है 1/16, तो यानी 16 का सामान एक लॉस पे बेचा, यानी ये हो जाएगा 15/16 की बेचा, और ये जो चेयर थी वो ₹585 की थी, है ना, चेयर कितने की थी, ₹585 की थी ना चेयर, तो ₹585 की थी, जिसमें 16.3% का प्रॉफिट हुआ था, मतलब 1/6 का प्रॉफिट हुआ, तो बेचेगा कितने का, 7/6 की बेचेगा, है ना, 7/6 की, सही है, बराबर कितना आ गया x। बस इसी को जल्दी से सॉल्व करिए और सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर कितना आ रहा, फटाफट बताओ। ये आ जाएगा 637.5 और ये आ जाएगा सॉल्व करने पे 682.5, यानी कुल मिला के दोनों जगह से ₹1320 का गेन हुआ इसका, ठीक है ना। चलो ये सवाल आप सभी लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, है ना, इसको आप लोग सब लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और एक बार फिर से वापस से सभी लोगों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, एंजॉय करिए, मस्त रहिए, है ना। कल मुलाकात करते हैं फिर से 9 बजे, आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को, थैंक यू।